एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था दिल्ली में कूड़े का ढेर, और ऐसे में कूड़े के ढेर को लेकर के आम आदमी पार्टी जो है बेशक एमसीडी में चुनाव जीत गई, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती है वो ये है कि जल्द से जल्द दिल्ली में जिस तरीके से कूड़े का ढेर ओखला में है उसको ख़त्म किया जाए। बेशक जो ये डिपार्टमेंट है वो एमसीडी के अंतर्गत है, लेकिन इससे पहले मनीष सिसोदिया कई बार यहाँ पर आके मुआयना कर चुके थे, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने उनको हिरासत में लिया है उसके बाद से आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने मुआयना किया कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने ये भरोसा दिलाया था कि अगर एमसीडी में वो आते हैं तो जल्द से जल्द यहाँ से कूड़े के ढेर को ख़त्म किया जाएगा। ऐसे में साफ तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचे, उन्होंने जायज़ा लिए, उन्होंने ये कहा कि इस साल के आखिरी तक जो ओखला में ये कूड़े का ढेर है उसको ख़त्म कर लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ से जो भी जो कूड़ा है वो उठाकर जो है गाजीपुर और भलसवा डेयरी में रखा जा रहा है, लेकिन ये कहा गया है कि समय के साथ जो है वो दोनों भी लैंडफिल को हटा लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर रोज़ाना 4000 मेट्रिक टन जो है कूड़ा वो हटाया जा रहा है, जो कि अभी कैपेसिटी में काफ़ी कम है, लेकिन धीरे धीरे इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 15000 मेट्रिक टन किया जाएगा। ऐसे में जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को साफ भरोसा दिया है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे उसकी तरफ कवायद शुरू हो चुकी है, और कोशिश यही है कि अगले साल 2024 के दिसंबर तक तीनों कूड़े के ढेर को खत्म कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ पल्लवी झा, दिल्ली News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।